नमस्कार दर्शकों, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मैं आज बुढ़ाना में महावीर चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं 2022 में जो चुनाव है किसकी सरकार बनने जा रही है और बीजेपी ने 4.5 साल में अपने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सहरावत। सुरेंद्र जी, 2022 में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है, इस बार क्या होगा? माहौल तो अखिलेश और जयंत चौधरी का गठबंधन का माहौल है। बीजेपी का माहौल क्यों नहीं है? बीजेपी का माहौल है, महंगाई है, बेरोजगारी है और गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, सभी है। और स्थान जो हमारा क्षेत्रीय विधायक है उनने कोई काम नहीं करा, और जो यहाँ का ब्लॉक प्रमुख काम करवाने के लिए शुरू किया था काम, और काम शुरू हो गए थे, गढ़ंचे पढ़वा दिए थे, वे सब रुकवा दिए। तो क्षेत्रीय विधायक की भी बहुत जो है बुराई है, और सरकार की तो यही, सरकार ने किसी को रोज़गार नहीं दिया, नौजवान धक्के खा रहा सड़कों पे, तो सब चीज़ हैं जो जो एक भी काम कुछ अच्छा सरकार ने नहीं किया। आपने कई सरकारें देखी होंगी अपने समय में, कौन सी सरकार बेहतर रही है आपके अनुसार? नहीं, बेहतर तो देखो, बेहतर तो पहले उसमें अखिलेश ने भी काम ठीक किया था, लेकिन कभी चौधरी अजीत सिंह जो यहाँ के मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने गन्ने की इतनी चीनी मिल लगवाई थी, तो इस तरह के लोग अच्छे हुए। पहले चौधरी चरण सिंह के हमारे पिताजी हर उनके गुणगान करते थे कि गन्ने का भाव, और उन्होंने जो है किसानों के लिए इतना कुछ किया। चौधरी चरण सिंह थे, उन्होंने किसानों को जो है अपनी ज़मीन का मालिक बनाया, तो वे महान लोग थे वे थे। इसके बाद तो ज़्यादातर अच्छे लोग नहीं आए राजनीति में, अच्छे लोग नहीं आए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सलमान। 4.5 साल योगी जी को गए, कैसा रहा माहौल सब कुछ? रोज़गारी बढ़ गई ज़्यादा, बेकार होगी रोज़गारी, मतलब जो काम पहले चलता था वो काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका अब, बिल्कुल ही ज़्यादा काम खराब हो रहा है। इस टाइम मजदूरी अपने उससे भी तंग आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से खर्चा मजदूरी 400 रुपये की चल रही है, अब घर में खर्चा भी है, दवाई गोली भी है, तो इस वजह से मजदूरी बिल्कुल ठप हो चुकी है, मतलब रोज़गार नहीं रहा बिल्कुल भी। जैसा कि आप बुढ़ाना निवासी हैं, विधायक जी कभी आते हैं, कुछ कार्य कराते हैं, नहीं कराते क्षेत्र में? फिलहाल तो कह नहीं सकते ही कुछ, फिलहाल आप लोग कुछ करा नहीं, फिलहाल ये बनाया जो जिस पर आप खड़े हो, बस ये बनाया बस, जी। तो 2022 में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? अखिलेश। क्या नाम है आपका? नाजिम। ये कह रहे हैं कि विधायक जी ने कुछ नहीं कराया, कितनी सच्चाई है इस बात में? करा नहीं जी कुछ भी, मैंने फार्म भर रखा 2 साल का मकान का, अब लो पैसा नहीं आया भी, प्रधानमंत्री आवास योजना का अब लो नहीं आया भी, खाते में 2 साल हो लिए मुझे, करबला रोड का रहने वाला, चांदनी मंदिर का, अब ले एक भी रुपया नहीं आया, और टाउन में पहुंच लिया मुझे, नगर भी पहुंच लिया भवन में, अब लोग कोई पैसा नहीं आया जी। बताओ 2022 में चुनाव है, क्या होगा इस बार? साइकिल जीतेगी जी, अब क्या साइकिल जीतेगी? निकर ची, ये सरकार अच्छी नहीं रही? नहीं जी, अच्छी नहीं आया सरकार, कांग्रेस बसपा कोई नहीं है रेस में, सिर्फ साइकिल जी। हाँ, विधायक जी ने कुछ कराया नहीं करा क्षेत्र में काम? कुछ नहीं करा जी, पहली सरकार में 3 रुपये पड़े रहे थे हमारी जेब में, और अब सरकार में जेब में 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया नहीं है। हाँ जी, पहली सरकार में 3 रुपये पड़े रहे थे जेब में, रुपया ना उधार हो रहे, और लोगों के 50,000 कोई ना मील वाला गंडियों के पीछे दे रहा, कोई दुआई नहीं रहा। सरकार होगी अखिलेश जी की, साइकिल चलेगी सारे को एक तरफा। बीजेपी क्यों नहीं आएगी, कांग्रेस क्यों नहीं आएगी, बसपा क्यों नहीं आएगी? ये नहीं आएगी, अगर जब किसी के लिए कुछ करा नहीं तो कहाँ से आ जाएगी? आदमी उसे ही तो पसंद करेगा जो जिसके लिए कुछ करता हो। अब उन्होंने जी ने क्या करा है? अखिलेश जी ने बहुत कुछ उसके पास गए थे, हमने जो कुछ काम पड़ा, सब एम्बुलेंस की सेवा दे दी, पुलिस की 100 नंबर की सेवा दे दी, कहीं भी आदमी को एक्सीडेंट हो जाओ, दिक्कत हो जाओ, तुरंत गाड़ी आवे। पहले क्या, इससे बड़ी असुविधा क्या होगी? 4.5 साल में योगी जी ने कुछ नहीं कराया? अगर नहीं, थोड़ा बहुत तो कराए थे, पर ऐसा तो कुछ नहीं है, जिससे हम कुछ हो गया। विधायक जी कैसे हैं? विधायक जी ने भी आज तक तो हमें विधायक जी की शक्ल भी दिखी, आए भी हो गए खड़े खबर, कोई मर रहा है जी रहा, कभी नहीं आते, यहाँ तो आए नहीं आज। ला क्या नाम है सर? वसीम नाम है जी मेरा। वसीम, 4.5 साल योगी जी को हो गए, कैसा रहा सब कुछ? बस कुछ नहीं रहा जी, मजा नहीं आ रहा। बड़ी उम्मीदों से जिताया था बीजेपी को? नहीं, हमने तो नहीं जिताया। आपने जिताया? नहीं। तो क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? इस बार तो समाजवादी पार्टी आएगी जी। समाजवादी पार्टी क्यों आएगी? उनके जो पहले कार्य हैं वो अच्छे रहे हैं लोगों के। 4.5 साल में योगी जी ने कुछ नहीं कराया? नहीं कराया है, उन्होंने कुछ काम कराया, लेकिन इतना खास नहीं है, जो लोगों को उम्मीद थी वो नहीं हो पाया, नाम वगैरह चेंज करे, ये करा वो करा, बाकी वो बात नहीं है, जमीन पे वो बात नहीं है। विधायक जी कैसे हैं? विधायक जी सब अपनी जगह ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। विकास कार्यों में कैसे हैं सब अपनी जगह?
विकास कार्यों में तो लगभग ठीक ही है, लेकिन वो बात नहीं है, अब की बार में समाजवादी पार्टी आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी सुल्तान, जिला मुजफ्फरनगर, कस्बा उड़ाना, सभीपुर पट्टी, लुसाना रोड। मैं कहना ये चाह रहा जी, मजदूरों की मजदूरी खत्म होगी, रोजगार खत्म हो गया बिल्कुल। योगी मोदी इसकी सरकार में रोजगार बिल्कुल नहीं मिल रहा। सरकार जो आनी चाह अखिलेश की आनी चाह। क्यों आनी चाह? यह आनी चाह जी अखिलेश की सरकार में रोजगार मजदूरी बढ़िया मिलती है, अपना काम टाइम पे चलता है। ओवैसी भी आ रहे हैं चुनाव के मैदान में, क्या लग रहा है? ओवैसी आ रहे हैं, अगर ओवैसी जीतेंगे तो ओवैसी को वोट देंगे, अगर ओवैसी बढ़िया काम करेंगे तो ओवैसी को वोट देंगे, अगर अखिलेश आएंगे तो अखिलेश को तो बाकायदे जिताना है। ओवैसी का फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा मुसलमानों पे कुछ यूपी के? हाँ जी पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा अगर ओवैसी आगा तो बहुत वोट ले जाएगा ओवैसी, ये कहना चाह रहे जी। पर इनकी सरकार बिल्कुल बढ़िया नहीं है। एक बात में भी, ये जो हमारे युवा शक्ति खड़ी, मैं इनके माध्यम से फिर अपने द्वारा फिर बड़े भाई खड़े बाबर भाई हमारे, इनके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, अगर एक चीज़ के दाम सस्ते कर दिए हो, 35 रुपये का डीजल पेट्रोल का वादा करके लोगों को 100 रुपये का डीजल पेट्रोल दे रहे, गैस सिलेंडर पे 414 रुपये पर अर्धनंग होकर कपड़े निकाल करके इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, आज हम पूछना चाहते हैं एक आम नागरिक होने के नाते प्रदेश सरकार का और एक वोटर होने के नाते मेरा प्रश्न ये है सरकार से कि 414 रुपये 94 पैसे का LPG का सिलेंडर था 14 मार्च 2014 को, अब 1000 रुपये का LPG का सिलेंडर लोग चला रहे हैं, फ्री गैस सिलेंडर दे के 1000 रुपये की गैस भरवाएंगे लोग, तो ये जुमलाबाजी नहीं और क्या है? महंगाई पूछ रहा, अगर एक आदमी बता दे एक चीज़ सस्ती हुई हो। हाँ जी महंगाई है नहीं है जी? हाँ जी महंगाई 230 रुपये किलो सरसों का तेल, ये और सुनो, इन्होंने कहा था 2022 में किसान की आय दोगुनी कर देंगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं न्यूनतम खुदरा मूल्य कहाँ है हमारी फसल का? गन्ने का पेमेंट बसाने मिल पर आज भी बकाया है पिछले वर्ष का, पिछले साल दिसंबर तक कभी पेमेंट इस मिल ने नहीं किया। आप ये बताइए, जैसे कि आप पार्टी के कार्यकर्ता बता रहे हैं, तो ऐसा क्या लगा कि पार्टी छोड़ देनी चाहिए? अब देखिए, जब हम पार्टी में थे तब भी हम लोग सबको साथ लेने की नीति पर पार्टी का कार्यकर्ता थे, केवल इस नीति पर नहीं कि तुष्टिकरण की राजनीति हो, और इनके पास सिर्फ केवल और केवल तुष्टिकरण की राजनीति है। पाकिस्तान की और चीन की अर्थव्यवस्था से हमें क्या लेना, हमें तो अपनी अर्थव्यवस्था से लेना है ना, हमारे यहाँ तरक्की हो, रोजगार हो। उत्तर प्रदेश की जनता रोजगार चाहती है, काम धंधे चाहती है, सुख शांति चाहती है। नेपाल, चीन और पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल अपने देश की अर्थव्यवस्था से लेना देना है, मेरा तो यही कहना है आपका। मेरा नाम तो भाई मुन्ना है। मुन्ना जी, 4.5 साल योगी जी को प्रदेश में हो गए हैं, कैसा रहा सब कुछ? बढ़िया रहा भाई, बदमाशी खत्म हो गई, अपना गुंडा राज खत्म हो गया, अपना सही ठीक ठाक जी रहे लोग। पहले गुंडा राज था? नहीं, गुंडा राज चलो क्या नाम, अपराध तो क्या नाम कुछ कब हुई है, जो चोरी टिकेती के राजनी के थे। महंगाई रोजगार, महंगाई रोजगार ने तो मार दिया भाई बिल्कुल, उसने तो बेटा ग्रह कर दिया, रोजगार ही सारे छीन लिए, रोजगार छीन लिए। हाँ तो 2022 में चुनाव है, क्या माहौल है इस बार भाई? 2022 का चुनाव तो भाई जनता है, अब जिसको अच्छा समझेगी वो चुनेगी, अब अभी तो क्या नाम कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके अनुसार कौन बेहतर रहा है अभी तक उत्तर प्रदेश के लिए? भाई सब अपनी अपनी जगह बेहतर हैं, अब सब अपना काम सही कर लेके चले, कोई ये तो चाहता नहीं तेरी सरकार बदनाम हो, सब ये चाहे भाई क्या नाम अच्छा कार्य करें, अपना क्या नाम पब्लिक का बन जीतते हैं। तो बीजेपी ने भी अच्छा कार्य किया है अपने हिसाब से, उन्होंने अच्छा किया, बस एक हिंदू मुस्लिम फिर वाराना फसादा जो हुए हैं इसमें, और क्या नाम एक मजहब की जो क्या नाम बात कर रहे हैं, दूसरे मजहब वालों को मानते नहीं कुछ भी, इस वजह से थोड़ा सा क्या नाम हमारे लोगों में क्या नाम बाइट का ऐसा ही है मामला। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अमरदीप भैया मेरा नाम। अमरदीप जी, चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है भैया? हम तो चाहे असलम जो जनता के हित में हो वही सरकार बन जाए बस। तो बीजेपी जनता के हित में नहीं रही? हाँ बिल्कुल है जी, उसमें कोई हित में है, सारा हित है जी, कि क्या चीज से कमी छोड़ रखी है सरकार ने, सब चीज तो दे रहे, नहीं दे रही, लाज भी दे रही, सब चीज मिल रही है, छीन लिया छीन लिया, वो तो सभी के साथ में है भैया, वो तो 1000 रुपए का हो गया,
ऐसी सरकार कौन सी है? 800-700 रुपए का सिलेंडर था, 600 रुपए का सिलेंडर था, अभी 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया। ये भी बताओ योगी सरकार का भाई खाले, आप खाले सिलेंडर खाले, अगर इनकी भी तो सुन लो, हाँ जी बताओ, अगर खाले सिलेंडर को या भाई डीजल को लेकर चलो, और भी तो बहुत चीजें ऐसी है जिसमें फायदा भी हो रहा लोगों को। क्या फायदा हो रहा है? फायदा तो हो रहा है, हाँ जी बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। पेट्रोल भी गाड़ी अब जब बंद पड़ी घरों में खड़ी कर दी हमने तो। अरे भैया ठीक है, जो बन जाए वही ठीक है, समय पे समय पे। तो बीजेपी आएगी फिर तो? आनी चाहिए जी, आनी चाहिए ना। बीजेपी अब की बार 100% नहीं आएगी। विधायक जी क्या कह सके जी, सब तो आते ही नहीं, समय बताओगे जी, आते नहीं आते? हाँ वह आते क्यों नहीं, बढ़िया है सब, बढ़िया है अपनी जगह, सब अपनी जगह बढ़िया है, सब बढ़िया है अपनी जगह। विधायक जी आते हैं झगड़ा कराने के टाइम पे, विधायक जी आते हैं जिस टाइम पे झगड़ा कराना होता है जब आते हैं विधायक जी। और बता दो और कौन से टाइम पे विधायक जी आते हैं? विधायक जी आते नहीं आते यहाँ कहीं, और से विधायक करते हैं तो भाई तुम्हारे से मिलने आए थे? नहीं मिलने नहीं, आते रहे ना, मिलने आते हैं। अब कुछ समस्या हो विधायक, विधायक जी तो नहीं होगा? विधायक जी ने कुछ कार्य कराया नहीं कराया क्षेत्र में? कार्य करवाया जी, क्या क्या कार्य कराए? सड़कें बनवा दी, बहुत कुछ करवा दिया, शौचालय बनवा दिए, थोड़े काम बोल रहे जी। 2022 में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आओगी? बीजेपी कैसा आएगी? मुझे वो काम अच्छा करा उन्होंने, सपा कांग्रेस बसपा किसी ने काम अच्छा नहीं करा। बीजेपी कराओगी? बीजेपी आएगी बस पक्का। विधायक जी भी आएंगे? सरे आओगे, विधायक जी भी आओगे, चाहे इंद्र भी आओगे, योगी जी भी आओगे, योगी तो योगी जी भी आएंगे। क्या नाम है आपका? सेवाराम है। सेवाराम जी चुनाव आने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो पब्लिक बताएगी, पब्लिक तो आप ही, आप बताओ। नहीं हम तो बताया तो रहे, बीजेपी खराब जाएगी और हारेगी अब क्या। तो कौन आएगा फिर? गठबंधन की सरकार आवेगी या दूसरे की सरकार आवेगी, समर्थन जिसका भी बनेगा, निखाली से नहीं आनेगी किसी के लिए। बीजेपी की नहीं आएगी पर? नहीं नहीं मतलब है कि निखाली से नहीं आएगी, वो किसकी आवेगी ये तो आने वाला टाइम बताएगा। ये आपने कई सरकारें देखी होंगी, कौन सी सरकार बेहतर रही आपके अनुसार? बसपा की सरकार बढ़िया रही। बसपा की सरकार क्यों बढ़िया रही बताओ? क्या नहीं करा किसानों के लिए, क्या नहीं करा आम पब्लिक के लिए, क्या नहीं करा? हाँ जी बसपा सही रही है सरकार? बसपा ओके रही। और बीजेपी कांग्रेस सपा? बीजेपी तो हर जगह फेल है, हर जगह फेल है। क्या नाम है आपका वैसे? किशन पाल सैनी। किशन जी क्यों फेल रही है बीजेपी, क्यों फेल रही है? अब लोग तो ये कभी बंद कर दिया नोटबंदी, कभी चुनाव, कभी फलाना, कभी ढिमका, अब लोग दुकानदारों को तो होश ही नहीं आई, भूखे मरण लग रहे लोग। हाँ पर ये नाज दे दिया, चावल दे दिया, सिलेंडर 1000 का कर दिया। हाँ? क्या लगता है क्या होगा चुनाव में इस बार? चुनाव में क्या होगा, बेईमानों की सरकार है, फिर योगी आवेगा। क्या माहौल लग रहा है इस बार बुढ़ाना का? माहौल तो ये भाई साइकिल दौड़ रही है, तो बीजेपी बसपा कांग्रेस ये तो सब साफ है। ओबीसी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ रहे हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा इस बार लोगों पे? लोग भाई बेवकूफ नहीं, अगर मान लो वोट देंगे ओबीसी को, क्यों वोट कटेगा बटेगा और बीजेपी को फायदा होगा। जैसे कि अभी कुछ लोग उनको बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? इस बात को तो हम बोल सकते नहीं भाई, वे तो हैं बाहर के, अब यहाँ तो है साइकिल, कोई वोट देंगे साइकिल ही ठीक है, साइकिल को जिताएंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? रूप किशोर। रूप किशोर जी 4.5 साल हो गए बीजेपी को प्रदेश में, कैसा रहा सब कुछ? बढ़िया काम, बढ़िया का सब कुछ दे रहा है, नाच वो सब कम्प्लीट, मौज की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। महंगाई रोजगार सब है? सब काम बिल्कुल सही चल रहा है, मजे बिल्कुल मजे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपने अपनी उम्र में कई सरकारें देखी होंगी, कौन सी बेहतर रही? भाजपा रही। भाजपा बेहतर रही है। विधायक जी कभी आते नहीं आते? आवे। विकास कार्य भी कराते हैं क्षेत्र में? बिल्कुल। हाँ जी विधायक जी आते हैं कभी क्षेत्र में? भाई विधायक तो देख हमने देखे नहीं, क्यों हम भी यहाँ से कमा हुए बस है, गाँव के रहने वाले हम। हाँ। गाँव में भी नहीं देखे हमने। हाँ। पर वो जो है विकास तो सही हो रहा है, सब देखा जाए जो भाई चोरी चकारी चोर चार कोई कहीं नहीं रहे छोटे इन्होंने। जब लोगों में पैसा ही नहीं रहा तो हाँ वो इधर फिर महंगाई भाई महंगाई भी बढ़ी रही। महंगाई तो बढ़ी रही। महंगाई बढ़ रही है? नहीं महंगाई तो बढ़ी है। हाँ लेकिन मैं काम जो है बीजेपी सरकार ने करवाए बहुत काम। क्या काम करवाए हैं? है ना नहीं सभी का काम बहुत काम हुए क्षेत्र में, ऐसी बात नहीं है, अच्छे काम करवाए। तो कौन सी सरकार आ रही है चुनाव में इस बार भाई? ये तो नहीं कह सकते अभी। 4.5 साल में बढ़िया रही बीजेपी की? नहीं इसके भी है कि जैसे मतलब ये है कि गुंडागर्दी का मामला था, ये तो ठीक ही है, इसमें तो कोई बात नहीं है। लोगों की मोटर तो नहीं खुलती भाई? लोगों की मोटर नहीं खुलती है, पहले खुला करती। हाँ पहले खुला थी। अब क्या माहौल है? अब बहुत बढ़िया माहौल लगा, रात को चाहिए 2 बजे चले जाकर पानी चला लो। अब पहले कैसा माहौल? पहले तो पहले 2 बजे क्या 7 बजे अपने घर से लिकड़ा जाता, वही रास्ते में पेट लेते लोग।
तो बीजेपी ने विकास कार्य भी कराए हैं? करवाए भी बीजेपी ने, तब कभी बीजेपी आओगी? बीजेपी आएगी। हाँ। विधायक जी के कैसे हैं? विधायक के बढ़िया है, विकास कार्य भी कराए? हाँ कराए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप डवास है। प्रदीप जी, 4.5 साल योगी जी को हो गए, कैसा रहा सब कुछ? भैया सच बताऊं कि आज मुलाई छोड़ूं? सच बताओ, जो आपको दिल्ली बताओ बिल्कुल। देश में बेरोजगारी और महंगाई की व्यवस्था इस कदर फैली हुई है कि आम जनता अपना दर्द बताए तो बताए कैसे। आज हमें बताओ अपना दर्द। आप दर्द ये है कि बेरोजगारी का आलम यह है कि पढ़े लिखे लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, कहीं है ही नहीं कोई काम, कोई रोजगार नहीं है। सरकार तो कह रही है 2 करोड़ नौकरियां दे दी हैं। अभी कल के ही प्रिंट मीडिया के माध्यम से समाचार पत्र में एक खबर थी कि स्टेट बैंक के जो कर्मचारी हैं वो अब उनके नौकरी जा सकती है, उनको प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट कर देगी सरकार स्टेट बैंक को। तो प्राइवेट सही है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इस हिसाब से तो सरकार को भी प्राइवेट हो जाना चाहिए। जब सरकारी संस्थाएं नीलाम होकर प्राइवेट हो जाएंगी तो आम जनमानस क्या करेगा? आगामी चुनाव में क्या होगा? चुनाव आने वाले हैं। चुनाव में एक तरफा अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही, गठबंधन हमारा मजबूत है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन रहेगा। और हालात बुढ़ाने में सबसे ज्यादा खराब है सत्ताधारी पार्टी के। विधायक जी को अपनी जमानत भी बचानी जब्त हो सके इस बार। विधायक जी ने कुछ नहीं कराया 4.5 साल में। किसान और मजदूर बीजेपी के खिलाफ है, इसमें कोई अतिशोक्ति कोई झूठ वाली बात नहीं है। लोकल स्तर पर जाइए, जमीन स्तर पर जाकर हर गांव में जाइए, हर बूथ पर जाइए, वहां जहां इनके लोग थे। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा 2017 में, मैंने योगी जी को वोट किया था, परंतु इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को वोट करूंगा, क्योंकि उनका कहना है रोजगार लाओ, बेरोजगारी हटाओ, और इनका है चीन नेपाल पाकिस्तान हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। मैं आपका तेज सिंह है जी। 2022 में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? अल्टा पलटी होगी जी। किसकी अल्टा पलटी होगी? कौन अल्टेगा कौन पलटेगा? अखिलेश के चांस हैं ज्यादा। अखिलेश के चांस हैं, बीजेपी के चांस, बसपा के, कांग्रेस के? बसपा तो खत्म ही है, कांग्रेस भी खत्म है, ये दो ही में टक्कर है सीधी। दो में टक्कर है सीधी। हाँ जी। विधायक जी के क्या हालचाल है? कुछ काम कराते नहीं कराते? तो इससे बेकार तो कोई मिला ही नहीं आज। लोग विधायक तो कभी आवे नहीं आज इस एरिया में। कुछ कार्य कराया नहीं कराया? कार्य कराया, बस में पार्टीबाजी करा दी, सब पार्टीबाजी करा दी। हर गांव में पार्टीबाजी करा रखी, और हर गांव में एक एक लड़का पकड़े और जो है वो दलाली कर रहा है। आपने कई सरकारें देखी होंगी, कांग्रेस की, बसपा की, सपा की, बीजेपी की, कौन सी सरकार बेहतर रही आपके अनुसार? हम तो अखिलेश वाले जी सीधे। जी, 2022 में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? अखिलेश भैया का आने का माहौल लग रहा है यहाँ पे। बीजेपी का क्यों नहीं लग रहा, कांग्रेस का क्यों नहीं लग रहा, बसपा का क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि बीजेपी ने नौजवानों के लिए कोई नौकरी की सुविधा नहीं दी अच्छे से, और नौजवान सब परेशान है। विधायक जी आते हैं नहीं आते कभी? नहीं, विधायक जी नहीं आते यहाँ पे। कुछ विकास कार्य कराया नहीं कराया? कुछ नहीं किया यहाँ पे। कितनी सच्चाई है इस बात में कि विधायक जी ने विकास कार्य कराया नहीं? भाई बिल्कुल नहीं कराया हमारे एरिया, मतलब कहीं नहीं करवा, और कहीं करवा रहा हूँ अलग कह सकते हैं। 2022 में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? भाई माहौल है यहाँ पर अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव का फुल बहुमत से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा अमित है भाई। अमित जी, सरकार कैसी रही? अरे बहुत वंडरफुल, बहुत अच्छी सरकार है भाई। कैसा बढ़िया है? अरे एक बात, बहुत हेल्प, रोड देख लो, रोड देख लो। हाँ। और भाई रोजगार भी देखो, रोज नहीं मजदूर की आदत बिगाड़ रखी, राशन फ्री दे दे के क्यों मजदूर नहीं मिलता किसानों को? राशन ही चाहिए मजदूर को, तेल जो मिल रहा, नमक जो दो एक दिन कर ला अपना, फिर छुट्टी, फ्री का राशन करे। कमाल है बस। हाँ, चोरी चोरी जारी सब खत्म होगी मोदी के राज में। चोरी तो बतरी कर रही हूँ। चोरी खत्म होगी? नहीं है। हाँ चोरी खत्म होगी, चोर नहीं है। तो फिर क्या दिक्कत है सरकार में? सरकार में तो बस मजदूर नहीं मिलता भाई किसानों को, महंगाई हो रही है। महंगाई आते नहीं मजदूर, 500 रुपए लेंगे रखते है नहीं। 2022 में चुनाव है, किसकी सरकार बनेगी? मोदी की सरकार बनेगी भाई। हाँ जी, कितनी सरकार किसकी बनेगी? मोदी प्रधानमंत्री है भाई, वो बन जाएगी तो मोदी की देंगे वोट तो हम। मोदी को दोगे? हाँ, तब भी भाजपा के आदमी हम तो भाई भाजपा को देंगे वो तो। क्या नाम है आपका? नौशाद। नौशाद, काम धंधा कैसे चल रहा है इस टाइम? काम धंधा कुछ नहीं, ठाली है, ठाली है बिल्कुल। जब से लॉकडाउन चल रहा है जब से तो बिल्कुल काम धंधे सब खत्म हो चुके। गरीब जितने लोग हैं सबके सब परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, ना कोई नौकरी है, ना कोई बैंक बैलेंस है, हर तरह की परेशानियों का मुकाबला करना पड़ रहा है।
हर भाई परेशान है इस वक्त, काम की वजह से, पैसे की वजह से, बीमारी की वजह से, हर तरह से तुझरा है हर भाई। गरीब की कोई तादाद नहीं है, कितना गरीब परेशान है उसकी सुनवाई कहीं से कहीं तक किसी उसमें नहीं है। आपने बसपा भी देखी होगी, आपने कांग्रेस भी देखी होगी, आपने सपा भी, आपने बीजेपी भी, कौन सी पार्टी सही रही? पार्टी तो कांग्रेस भी अच्छी रही, भाजपा भी अच्छी रही, लेकिन भाजपा में अब आके तो जब से कभी नोटबंदी, कभी लॉकडाउन, कभी यो डाउन, कभी किसानों की मांग नहीं पूरी होती और उन पे ऐसी आरोप लगा दिए कि कुछ ना कर सके। साल भर हो गया वहाँ बैठे हुए, किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई, अब आके कुछ मसला हल हुआ जिसका। 2022 पे चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो सरकार आनी चाहिए कांग्रेस या अखिलेश की, बस। हाँ जी, कांग्रेस या अखिलेश? अखिलेश आना चाहिए जी, बस। क्यों आना चाहिए? उसके उसमें अच्छे काम भी हुए, लोग बाग परेशान नहीं रहे, कुछ नहीं रहे उसके उसमें। ये तो हुआ, आदमी ने, गरीब ने दो रोटी चैन सुकून से खाई। अब नहीं मिल रही दो रोटी भाई, अब तो कुछ भी नहीं है। जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो कहाँ से मिल जाएगी, परेशान आदम है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।